सर एंड मैम, मतलब ये तीनों ही स्ट्रीम के लिए हो रहा है, आपने बताया कि साइंस के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी। तो लेट अस सपोज इफ आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो विल इट बी पॉसिबल फॉर मी, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल रहेगा कि मैं आई ओप्ट फॉर सम ह्यूमैनिटीज कोर्स, मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ लेकिन अब मैं ग्रेजुएशन करना चाह रहा हूँ आर्ट साइड से, विल दैट बी पॉसिबल फॉर मी? आई वुड से कि अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के भी स्टूडेंट है और आपको एक ह्यूमैनिटीज रिलेटेड कोर्स करना है, तो आप क्या करेंगे, पेपर नंबर 2 दे देंगे जिसमें जो है जनरल एप्टीट्यूड रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। देखिए 100 क्वेश्चंस होंगे उस पेपर में, 2 आवर्स का आपका वो पेपर होगा जिसमें से जो जनरल मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जीके आता है वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। और आपको किसी भी अगर ह्यूमैनिटीज रिलेटेड कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप उस पेपर के थ्रू एलिजिबल हो सकते हैं उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। मैं ऐड करना चाहूंगा, ये डाउट बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स का और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को होगा कि जैसे एक हायरार्की है इसमें, जैसे किसी स्टूडेंट ने 12th क्लास में साइंस पढ़ रखी है, ठीक है, तो ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर एवरी एग्जाम्स, ठीक है। अगर वो बीएससी करना चाहता है, बीएससी इन इकोनॉमिक्स करना चाहता है, वो बीएससी इन जूलॉजी करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो ही इज़ एलिजिबल फॉर एवरी एग्जाम्स, राइट। कॉमर्स वाला स्टूडेंट ऑब्वियसली वो बीएससी जूलॉजी नहीं भर पाएगा, बीएससी फिजिक्स नहीं भर पाएगा, ठीक है, वो आपके ह्यूमैनिटीज़ के और कॉमर्स के बीकॉम भर सकता है, ठीक है, और वेयर एज ह्यूमैनिटीज़ वाला स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स के भर पाएगा और अपने डोमेन स्पेसिफिक।